So let us take one more exercise on preparation of financial statement. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मैं आपको हाउ टू डू इट वी विल सॉल्व इट। जैसे कि यहाँ पे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने टीडी लिख दिया है। परचेस, परचेस हम कहाँ लिखेंगे, तो परचेस को भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे बताएंगे। कैरेज इनवर्ड, जब भी आप गुड्स परचेस करते हो तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्ट के, उसे कैरेज इनवर्ड बोलेंगे, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। वेजिस, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड भी एक्सपेंस भी जाएगा। सेल्स, सेल्स हमारी मेन इनकम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम उसको बताएंगे फॉर्मेट के हिसाब से। रिटर्न इनवर्ड, अच्छा अब ये जो रिटर्न इनवर्ड है उसकी क्या इफेक्ट होगी, तो रिटर्न इनवर्ड के लिए आपको याद रखना है कि रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है, हमने कोई माल सेल किया है वो वापस आया है, तो रिटर्न इनवर्ड को आप सेल्स में से माइनस कर दोगे। तो ऊपर जो 11 लाख का सेल्स दिया है उसमें से आप माइनस कर दोगे उसको, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, सेल्स में से माइनस करना है उसको रिटर्न इनवर्ड, सेल किया हुआ गुड्स वापस आया है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो होता है, हमने कुछ माल परचेस किया है वो हमने रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया, तो उसको परचेस में से माइनस कर देंगे, तो रिटर्न आउटवर्ड परचेस में से माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे बताते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बताते हैं। तो इतना आइटम्स है हमारे पास, और इसके ऊपर से हमको बनाना है मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स का ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2006 के लिए। हमने कुछ एक्सरसाइज देख लिए हुए हैं, आई होप यू कैन प्रिपेयर दिस। अब चलो देखते हैं वन मोर एक्सरसाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट। Revenue, expenses and gross profit balance of Messrs. ABC Traders for the year ended 31st March 2006 were as follow. तो आपको सारे expenses and revenues and gross profit is given. और नीचे बोला हुआ है prepare profit and loss account of Messrs. ABC Traders for the year ended 31st March 2006. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाइफर्केशन कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए चलो देख लेते हैं कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, इसलिए मैं पीसी रखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, पीसी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। बाद में आपको दिया हुआ है सैलरीज, तो सैलरीज एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखोगे। अच्छा डिस्काउंट दिया है और ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट मतलब इनकम, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कोई भी इनकम होगी सेल्स के अलावा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप बताओगे। डिस्काउंट डेबिट मतलब ये डिस्काउंट हमने दिया है, ये हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है,
इसको आप कहाँ बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इसको बताओगे आप। बेड डेप्ट, अभी बहुत लंबा हमने आपको लेक्चर दिया बेड डेप्ट के ऊपर। बेड डेप्ट क्या होता है? डेटर्स को जो माल बेचा है उसका पैसा नहीं आ रहा है, अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, तो एक तरह का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। उसके बाद में आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरह का एक्सपेंस है, असेट की वैल्यू जो डाउन होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट एक तरह का लॉस है। लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आप उसको बताओगे। कंसल्टेंसी फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे बताएंगे। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। ऑडिटर जो साल के एंड में आता है बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने, तो उसको जो फीस दिया जाता है वो एक तरह का ऑफिस एक्सपेंस है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कुछ बोला नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम इसको बताएंगे। फिर आपको बोला है टेलीफोन एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, तो ये सारे ऑफिस के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड चले जाएंगे। स्टेशनरी का एक्सपेंस है, स्टेशनरी हमने कुछ खरीदा होगा तो उसका एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। फिर दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, तो आपने लोन लिया होगा उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे किया है, तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी इनकम है एक्सपेंस है उसके बारे में बताया कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। अब इसके ऊपर से आप खुद बना सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक छोटा सा एक्सरसाइज था जिसमें सारी चीजें दी हुई है, सॉल्यूशन में आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि दो तीन सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं। अभी एक एक्सरसाइज हमने ट्रेडिंग अकाउंट का देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में देखा। चलो उसी तरीके से एक और एक्सरसाइज ले लेते हैं। देखो ये क्या बोला है इस क्वेश्चन में हमें, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वैंचू ऑन 31 दिसंबर 2006। ओनर का नाम है मिस्टर सी वैंचू। 31 दिसंबर 2006 के लिए हमें उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको लास्ट में बताया हुआ है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन अब हम आप पे छोड़ते हैं, देखते हैं आप में से क्या करोगे। वैसे तो आपके पास से आंसर आने चाहिए बट यू आर नॉट स्पीकिंग, नो वन इज स्पीकिंग। चलो बेटा सबसे पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट, तो कहाँ पे बताएंगे कैपिटल को? बोलो ट्रेडिंग अकाउंट में बताओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताओगे या बैलेंस शीट में? एनीवन कैन स्पीक, कैपिटल कहाँ बताएंगे? बोलो कैपिटल को हमें बताना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एल लिख रहा हूं मैं ताकि आप समझ सको, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। स्टॉक दिया है हमको, स्टॉक कहाँ पे बताया कि स्टॉक, और कुछ बोला नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में बताया कि डेबिट साइड, गुड वेरी गुड। कैश इन हैंड, बोलो कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? कैश बैलेंस, बैंक
वेरी गुड, बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा, असेट है हमारी। सही है। मशीनरी, बैलेंस साइड में। वेरी गुड, बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। गुड। परचेज, वो ट्रेडिंग वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। सही है। नहीं, वेजिस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। हाँ, सैलरीज आप जो बोले वो सही है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, ये सही है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट लॉस डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम सो इट विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर आफ्टर सन्ड्री एक्सपेंसेस आर गिवन एंड दे आर रिलेटेड विद द ऑफिस, एनी ऑफिस एक्सपेंस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देन सेल्स इज गिवन, सेल्स इन विच अकाउंट वी रिकॉर्ड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड। नेक्स्ट इज सम्स ओइंग बाय कस्टमर, दैट मीन्स सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स से हमें लेना है 8,500, तो रिमेम्बर डेटर्स आर अवर करंट असेट्स एंड दैट्स व्हाई इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट मीन्स द अमाउंट विच वी हैव टू पे फॉर द क्रेडिट परचेस मेड, सो इट इज अवर लायबिलिटी। तो ये सारे आइटम्स आपको दिया हुआ है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके ऊपर से आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया था कि आपको खाली क्या बनाना है, ओनली द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट में लिखा हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे बोलिए, लास्ट में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वॉज 2,700, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम कहाँ पे बताते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट, ये वाला जाएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट, और ऊपर जो स्टॉक दिया है वो ओपनिंग है वो जाएगा ट्रेडिंग में डेबिट। तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया है 2,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,700, सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड प्रिपेयर दिस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी मेड अबाउट आइटम्स वेयर टू रिकॉर्ड, सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, आई लीव ऑन यू। वीडियोस में शेयर करूंगा, उसमें से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा कि क्या डिस्कस किया, कौन से आइटम कहाँ पे जाएगी। अब एक एक्सरसाइज ऐसा ले लेते हैं जिसका सॉल्यूशन है हमारे पास। ये रहा, चलो। मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस इज गिवन ऑन द 31 मार्च 2006, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आर गिवन, एंड बिलो दैट सम एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो गिवन अदर इंफॉर्मेशन, एंड एट लास्ट इट इज रिटर्न यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006 एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मोहन एज ऑन दैट डेट। तो सारी चीजें बनानी है आपको। चलो एक बार बाइफरकेशन कर लेते हैं, वन बाय वन वी आर टेकिंग ऑल द आइटम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी विल रिकॉर्ड। द फर्स्ट आइटम इज गिवन कैपिटल, कैपिटल वी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन सेल्स गिवन,
सेल्स वी रिकॉर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट इनवर्ड इट इज परचेस एक्सपेंस। जब आप रेलवे से माल इंपोर्ट करते हो, मतलब रेलवे की हेल्प से माल लाते हो, तो फ्रेट देना पड़ता है, रेलवे फ्रेट, दैट इज परचेस एक्सपेंस, ट्रेडिंग डेबिट। सैलरीज, सैलरीज नॉर्मली वी राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, सैलरीज विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एनी टाइप ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वी राइट ऑन द फर्नीचर। क्या है, एक्सपेंस है कि असेट है? एक्सपेंस। फर्नीचर एक्सपेंस है? नो नो सर, सॉरी असेट, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, डेटर्स भी दिया है, वी आर गिवन द डेटर्स एज वेल एज द क्रेडिटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगी, डेटर का कौन सा अमाउंट और क्रेडिटर का कौन सा अमाउंट? तो याद रखो, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हियर 2,10,000 इज डेटर एंड डेटर विल गो बैलेंस इट असेट, एंड 1,90,000 इज क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी दैट विल गो टू बैलेंस इट लायबिलिटी। तो डेटर असेट साइड और क्रेडिटर लाइन साइड जाएगा। वंस अगेन रिटर्न्स आर गिवन, रिटर्न्स दे हैव नॉट मेंशन इट इज परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न कौन सा है और सेल्स रिटर्न कौन सा है वो डिसाइड करना है। समझ में नहीं आया तो ऑपोजिट में चले जाना है। देखो परचेस ऊपर दिया है 4,30,000, तो उसका रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो 12,000 दिया है वो परचेस रिटर्न है, वो उसको आप परचेस में से माइनस करोगे। 12,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 4,30,000 एंड द 20,000 रिटर्न इज गिवन, दैट इज द सेल्स रिटर्न। तो ऊपर जो सेल्स का फिगर दिया है 9,70,000, उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे 20,000। ऑपोजिट होता है ऑलवेज बैलेंस, सेल्स इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस। ये मैंने कैंसिल नहीं किया है, मैंने लाइंस ड्रॉ किए बताने के लिए कि 970 में से 20 माइनस होगा और 4,30,000 में से 12,000 माइनस होगा। देन आफ्टर डिस्काउंट कुछ बोला नहीं है कौन सा बैलेंस है, उससे हमें डिसाइड करना है। तो रिमेंबर डिस्काउंट अलाउड इज हैविंग डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड इज हैविंग डेबिट बैलेंस। सो दिस 19,000 इज द डिस्काउंट अलाउड, सो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एंड दिस 9,000 इज द डिस्काउंट रिसीव्ड बिकॉज इट इज क्रेडिट बैलेंस, सो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड इज 19,000 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। Then bad debt is given 5,000 rupees. Bad debt is one type of loss, amount not received from the debtors. So it is debited to profit and loss debit. Investment in government security. अगर आपने कहीं पे investment किया है तो वो आपका asset होता है. So any type of investment will be shown on the balance sheet asset side because it is our investment, it is our asset. Cash balance and bank balance, obviously it is our asset, it is one type of current asset. So we have done the bifurcation of the items where we will record. Remember all the items of trial balance having only one effect. यहाँ पे जितनी भी आइटम्स है उसकी वन इफेक्ट दी है मैंने, कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का एक ही इफेक्ट होता है, या तो लायबिलिटी साइड जाएगा या तो असेट साइड, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा या तो क्रेडिट साइड,
या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या तो क्रेडिट साइड। अब हमें अदर इंफॉर्मेशन दिया है, अदर इंफॉर्मेशन मीन्स नथिंग बट द एडजस्टमेंट एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स आर हैविंग मिनिमम टू इफेक्ट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक। एज वी डिस्कस क्लोजिंग स्टॉक इफ इट इज गिवन इन द अदर इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट देन इट विल बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में आप देख लोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड द सेकंड इफेक्ट विल गो टू असेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप बताओगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स, इट इज अवर असेट। देन दे हैव मेंशन डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। सो इन द गिवन क्वेश्चन फर्नीचर इज गिवन 3,50,000, उस 3,50,000 का 10% आप निकालोगे तो 35,000 rupees आएगा। दैट 35,000 rupees इज अवर डेप्रिशिएशन। वॉट इफेक्ट वी हैव टू गिव ऑफ दैट डेप्रिशिएशन? सो फर्स्ट इफेक्ट वॉट वी विल गिव, वी विल माइनस फ्रॉम द फर्नीचर, फर्नीचर में से इतना माइनस कर दोगे क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिशिएशन लगा है। और डेप्रिसिएशन एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो दूसरा इफेक्ट उसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये दो इफेक्ट आपको देना है। तो सारे इफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन का मैंने नहीं दिया है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन दिस वे, देन यू हैव टू राइट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, दोनों सेपरेट बना सकते हो या तो कंबाइन कर सकते हो जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट वी बिगिन विद द क्रेडिट साइड बाय सेल्स। यहाँ पे कॉल्यूमनर दिया हुआ है, आप चाहो तो एक ही कॉलम बनाओ या दो कॉलम बनाओ अमाउंट के लिए, इन्होंने दो कॉलम्स बनाए अमाउंट के लिए। तो बाय सेल्स 970,000 फ्रॉम दैट सेल्स रिटर्न माइनस 20,000, सो 950 इज द फाइनल अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक एज वी डिस्कस राइट नाउ इट इज 1,80,000 गिवन इन द क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 गिवन। सो क्रेडिट साइड वी आर हैविंग 11,30,000, डेबिट साइड वी विल राइट द ओपनिंग स्टॉक विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 11 लाख। यू कैन सी द क्वेश्चन ऑल्सो, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 1,10,000 इज गिवन, माई मिस्टेक, 1,10,000 इज गिवन। फ्रेट इनवर्ड विल कम 40,000, this purchase 4,30,000, from that we will minus the purchase return. All these things are recorded on the debit side of the trading account, opening stock, purchase minus purchase return, freight inward. Finally, we are getting gross profit. Now here there is a mistake. One printing mistake is there. In the trading account, we get which profit? In the trading account, we get gross profit. So here they have made the mistake. Instead of net, the word should be gross. So our gross profit is coming 5,62,000. As we discuss, whatever profit will come, that is transferred to the profit and loss account. So aap kya karoge isko? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006। फर्स्ट वी विल ट्रांसफर दिस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड, वहां पे डेबिट पे होता है वह यहां क्रेडिट में आएगा। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर कर दिया है। फिर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट रिसीव्ड दिया था, वो लिखा 9,000,
डिस्काउंट अलाउड भी था 19,000। अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन अभी जो हमने काउंट किया, डेप्रिसिएशन 35,000। किस चीज का डेप्रिसिएशन था? तो वो डेप्रिसिएशन था हमारा फर्नीचर का 10%। तो फर्नीचर का 3,50,000 है, उसका 10% हमने काउंट कर दिया है। तो 3,50,000 का 10% काउंट करने के बाद 35,000 रुपीज जो आता है वो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा डेबिट साइड पे। सैलरीज आर गिवन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट। आफ्टर अकॉर्डिंग ऑल दिस एक्सपेंसिस वी आर गेटिंग 1,52,000 अवर नेट प्रॉफिट। एंड दिस नेट प्रॉफिट व्हाट वी डू, वी एड इन द कैपिटल। सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। इन द बैलेंस शीट कैपिटल इज गिवन 650, इन दैट नेट प्रॉफिट इज एडेड। वॉट एवर नेट प्रॉफिट यू गेट दैट यू हैव टू एड इन द कैपिटल, सो इट इज एडेड हियर। सो फाइनली वी हैव कैपिटल ऑफ 8,02,000। देन अदर लायबिलिटीज आर गिवन, क्रेडिटर 1,90,000 इन द क्वेश्चन। On the asset side, furniture is recorded 3,50,000. From that depreciation deducted 35,000. So we are getting 3,15,000 final furniture value. The value of furniture decreased because of depreciation. Closing stock we give to effect because it is given in the adjustment. So 1,80,000 closing stock is given. Here you can see the closing stock was given 1,80,000. One effect we gave in the trading account credit side, and the second effect we have given here 1,80,000. Debtors 2,10,000, investment 1,00,000, cash and bank balance 1,87,000. If everything is correctly recorded, then your balance sheet will always tally. But if something is left, if some mistake is made, then your balance sheet will not tally. जैसे कि कब कब बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने डेबिट का क्रेडिट साइड लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट साइड लिख दिया, असेट को लायबिलिटी बता दिया, लायबिलिटी को असेट बता दिया, इनकम को एक्सपेंस में बता दिया, तो ऐसी छोटी छोटी जब गलतियां होगी तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। सो यू हैव टू टेक केयर। दूसरा, ट्रायल बैलेंस की सभी आइटम का एक ही इफेक्ट होगा, पर ये जो एडजस्टमेंट्स आपको देंगे उसकी दो इफेक्ट देनी है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हमने दो जगह पे बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बताया 1,80,000, और बैलेंस शीट में असेट साइड पे बताया। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन जो 10% फर्नीचर का है, तो उसकी दो इफेक्ट दी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन बताया 35,000, और फर्नीचर में से माइनस भी किया 35,000। दो इफेक्ट दिया है। अगर आप एक इफेक्ट दोगे और दूसरी भूल जाओगे तो भी आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। सो सच स्मॉल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, और ऐसी एरर्स अकाउंटेंट से होती है, इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। आज हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कवर किए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के। ये जो शीट यहाँ पे शेयर किया हुआ है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, और दूसरा ये वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हो, वहां से भी आंसर मिल जाएगा, या तो मेरा फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर तो है ही आपके पास। सो टुडे वी क्लोज हियर दिस सेशन, वी एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और यू कैन लीव द मीटिंग। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। Any doubt, anyone? Assignment मैंने दिया हुआ है Google Classroom में, third and fourth assignment, वो जरा submit कर देना। बहुत छोटा assignment है, आधे घंटे में हो जाएगा। MCQ 3 है, उसके answer देने, एक एक marks का question है।
और एक बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, विद इन हाफ एन आवर यू कैन डू द असाइनमेंट, सो काइंडली सबमिट ऑल द फोर असाइनमेंट्स। ओके, थैंक यू।